सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जहां एक और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, मुख्यमंत्री राजेंद्र गर्ग प्रदेश के विकास और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वहीं और सोलन की सब्जी मंडी में किसान एकत्र होकर केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कानूनों के विरोध में रैली निकाल रहे थे। ये रैली दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में निकाली गई, जिसमें सोलन, शिमला के किसानों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों ने भी उन्हें समर्थन दिया। युवा बाइकों पर नजर आए तो किसानों ने कार रैली निकालकर अपना समर्थन किया। कुछ किसान सोलन से दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस मौके पर किसानों और युवाओं ने किसानों के समर्थन में कहा कि आज सोलन, शिमला का किसान पूरी तरह से किसान आंदोलन का समर्थन करता है। इसके लिए उनके द्वारा आज सोलन में कार रैली का आयोजन किया गया। जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने कहा कि आज भारत का किसान 3 कानूनों को लेकर बेहद चिंतित है और वे दिल्ली में प्रदर्शन करने को मजबूर है। इसलिए सोलन और शिमला के किसान रैली निकालकर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 60 किसानों का एक समूह दिल्ली के लिए रवाना भी हो रहा है। देखिए, ऐसा है, हम यहाँ आज ये युवा वर्ग में भी इकट्ठा हुआ है। हम सब एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी को समझते हुए कि हमारे जितने भी साथी हैं, किसान भाई हैं या और भी अन्य समाज के जो वर्ग हैं, वो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। और जो कानून हैं किसानों के हित के ना हो, ऐसे कानूनों के ख़िलाफ़ ये रैली है। आज की डेट में किसानों का उत्थान बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, वो हम सब जानते हैं कि एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। किसान उसका सूत्रधार है बीच में, और उसके इर्द गिर्द ही हमारी सारी इकोनॉमी घूमती है। आज यहाँ हम सब्जी मंडी में एकत्रित हुए हैं एक सॉलिडेरिटी के लिए, किसानों के साथ सहयोग के लिए, कि उनके हक के लिए हम लोग युवा वर्ग भी साथ साथ खड़ा है। इसी उपलक्ष्य में आज ये रैली का आयोजन किया गया है, और ये सारे भाइयों की सामूहिक प्रयास है कि हम देश के किसान के साथ खड़े नजर आएँ, उनकी ज़रूरत पे उनके साथ खड़े नजर आएँ। इसी उपलक्ष्य में आज ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जत्था भी जो है वो 40-50 आदमी का जत्था यहाँ से जाएगा, और वो जत्थेबंदी अभी इस रैली के बाद दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने भी किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया। सोलन की सब्जी मंडी से सोलन के बाईपास तक इस रैली को निकालकर शहरवासियों को भी किसानों के प्रति जागरूक किया गया। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सोलन के युवाओं ने और शिमला के युवाओं ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे, और साथ ही में किसानों के साथ जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है और उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में आज कार फ्लैग रैली करेंगे। हमारे गणराज्य को 70 साल पूरे हो चुके हैं, हमारे संविधान को लागू हुए 70 साल हो चुके हैं, और हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनको उनकी रक्षा करना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसमें शिमला के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, और सोलन के युवाओं ने मिलकर के निर्णय लिया है। इसमें अधिवक्ता भी शामिल है, किसान परिवारों के, किसानों के बच्चे, किसान खुद भी शामिल है, और बाकी जो नॉर्मल युवा हैं, छात्र हैं, वो लोग भी इस रैली में शामिल हैं। आज ये रैली सब्जी मंडी से शुरू होकर और बाईपास सोलन बाज़ार का चक्कर मारते हुए, माल रोड सोलन का चक्कर मारते हुए सपरून बाईपास में समाप्त हुई। मैं राहुल गौरी, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज। आज जो पूरे देश में रोष प्रकट हो रहा है किसानों को लेके, तो आज हम इनके साथ समर्थन दे रहे हैं। मैं और मेरा पूरा समाज इनका साथ दे रहे हैं। कहते हैं जय जय जवान जय किसान, तो हमारी भी यही सोच है और यही हमारा संदेश है पूरे देश के नाम। किसानों का समर्थन सबको एक साथ मिलकर देना चाहिए। इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस, हर इंसान इसमें आगे बढ़कर आए और अपना सहयोग दे।